ఇంకా స్వాగత్ కలిసేయాయి. శ్రీ రాగా వర్మ, శ్రీ ఫతే రాజు వర్మ, శ్రీ ఘనశ్యామ్ చందేర్, శ్రీ శ్రీ సంతరామ్ సాహుజీ, శ్రీ అశ్వని వర్మ రాజుజీ, శ్రీ కోమల్ వర్మ, శ్రీ రామేశ్వర వర్మ మహరూమ్ ఖుర్దసే, శ్రీ కుంజల్ వర్మ భరదా ఖుర్దసే, శ్రీ ఖేమ్ వర్మ మహరూమ్ ఖుర్దసే, శ్రీ మహావీర్ వర్మ హల్డువాసే, శ్రీ బాలకృష్ణ వర్మ సర్పంచ్ వాగావ్, శ్రీ రామరతన్ వర్మ మహరూమ్ కలాసే, శ్రీమాన్ జోహర్ మోహన్ యాదవ్జీ మహరూమ్ కలాసే, శ్రీ భువన్ లాల్ వర్మ మహరూమ్ కలాసే. హమారే లగ్తా హై వహీ పెహలే జాకెట్ వాలే హై, బాకీ సబ్ పాకెట్ వాలే హై. देखिए बाकी सब पकड़ हुआ. श्रीमती जनपद सदस्य श्री जय कुमार वर्मा घुमका से, श्री गयलाल जी वर्मा हरदुआ से, श्री रिकेराम जी वर्मा हरदुआ से, आप सब महानुभाव आते जाइए और हमारे आप आए और स्वामी जी का पुष्पांजलि स्वागत करें. रायपुर से पधारे परम सम्मानीय हमारे जीजा श्री श्रीमान पंडित गणेश प्रसाद जी तिवारी आए और अपने जो भयंकर वाला बनाए हैं उसका स्वामी जी का स्वागत करें. मियां है हाँ, उसके ये सब रहा था वो मतलब बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय. थकासी दूर हो गए देखो. हाँ पंडित बोले वृंदावन घाटी में मेरे गुरुदेव के जन्मों का पावन पुण्य इस माटी में कण कण आतुर हो जाता है. जिनके लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम. बोले राजीव लोचन भगवान की ज्ञान भक्ति और वैराग्य की पावन भूमि राजीव त्रिवेणी संगम से पधारे परम संत प्रातिस्मरणीय ब्रह्म मूर्ति ज्ञान मूर्ति वैराग्य मूर्ति श्री संत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. समुपस्थित सज्जनों, धर्ममयी माताएं, बालक बच्चों, बहनों भाइयों एवं परम आदरणीय विप्र मंडल, आप सबके हृदय में विराजित मेरे परम आराध्य राधा माधव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही परम दिन है. आज का समय मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट समय है. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस तत्व को आज पा लिया है जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता. उस तत्व को मैंने जान लिया है जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता. सबरी के घर भगवान राम पधारे, दुर्ग के घर में भगवान श्री कृष्ण पधारे, वैसे ही आज मेरे कुटिया में हमारे कुटिया में श्री संत जी पधारे. आज मेरा जीवन कृतकृत हो गया है, आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है. दशरथ के घर राम आए. गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना. महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं आज मुझे आनंद ब्रह्मानंद और परमानंद तीनों तत्व की प्राप्ति हो गई है. श्री गुरु जी पधारे, मैं कृतकृत्य हुआ, धन्य धन्य हुआ. आज जो शुभ अवसर हमें जो प्राप्त हुआ है ये मेरे किसी पुण्यों का परिणाम नहीं है और न ही मेरे शुभ कर्मों का परिणाम है. यह पुण्य प्रताप है ब्रह्मलीन
स्वर्गीय मेरे पिता से पंडित गिरिवर प्रसाद जी दुबे का आशीर्वाद है, निर्माता जी राम प्यारी दुबे का, जिनका नित्य स्नेह और आशीर्वाद मुझे रोज प्राप्त होता है। आशीर्वाद है घुमका वाले मेरे चाचा श्री स्वर्गीय लखन प्रसाद जी दुबे का, और आशीर्वाद है भेड़रवानी वाले मेरी दादी माँ स्वर्गीय नेम कुंवर बाई दुबे का। पुण्य प्रताप है समस्त ग्रामवासी ग्राम हरडुआ का, पुण्य प्रताप है मेरे समस्त रिश्तेदारों का, और पुण्य प्रताप है आसपास के सभी यजमान भाइयों का। आप सबके पुण्य जो है एकत्रित होकर के आज हमें ये सुंदर अवसर सुंदर समय देखने सुनने को मिला है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संत का आगमन ही बसंत का आगमन है, संत का आगमन ही बसंत का आगमन है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। सूखे को हरा करना बसंत का काम है, सूखे को हरा करना बसंत का काम है, लेकिन मुर्दे में भी जान फूंक देना ये तो संत की काम है। संत सोए हुए मनुष्य को जगा देता है, जगे हुए मनुष्य को उनके पैरों पर खड़ा कर देता है, और खड़े हुए मनुष्य को उनके लक्ष्य की दिशा में दौड़ा देता है। फागुन आता है फूलों का त्योहार लिए, फागुन आता है फूलों का त्योहार लिए, सावन आता है मेघों का मल्हार लिए, और संत आते हैं खुशियों का उपहार लिए, खुशियों का उपहार लिए। चंद्रमा सिर्फ ताप का शमन करता है, चंद्रमा सिर्फ ताप का शमन करता है, गंगा सिर्फ पाप का शमन करता है, कल्प वृक्ष केवल अभिशाप का शमन करता है, लेकिन संत का दर्शन ताप शाप और अभिमान तीनों का जो है विनाश करता है। इसलिए आइए इस पावन मेला में हम लोग श्री संत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इनके मुखारविंद से अमृतमय कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत पवन दीवान महाराज की जय, जय श्री राधे। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाकमहं वंदे परमानंद माधवम्। कृष्णं ना योताः प्रविश्य मम वातमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रमत्वगादीन् प्राणान्नाम् रन्ध्रान् वेणोरधनसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सोदरवणं प्राविशद्गीतकीर्तेः। अहो अकीयं सनकालकूटं जहां सयापायवत साध्वी लेवे गतिं धात्वितां पुण्यं कम्वा दयालुं सर्णं व्रजेव कांति सितां विशद्निंदित सार्वं दुर्यत्रे गदवरस्तां स्तांग सोहां वृंदावने पिकृत्या मुनगांग संगं राधा मुकुंदयुगलं तदहं नमामि। आसा